हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम फुल एडर को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर को डिस्कस किया था। ये चलिए फुल एडर शुरू करते हैं। आपको हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर में आपने देखा था कि दो इनपुट होते थे, लेकिन इसमें तीन इनपुट होता है फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर में। ए बी सी आपका इनपुट हो गया, ये फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम है आपका। यहाँ सम हो जाएगा और कैरी हो जाएगा। और ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें तीन इनपुट हैं, तीन इनपुट हैं और आपका एक सम हो जाएगा आउटपुट, एक कैरी हो जाएगा। और इसका लॉजिक एक्सप्रेशन हम राइट करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपका इनपुट पॉसिबिलिटी है 0 0 0। अगर 0 और 0 जोड़िएगा 0 और फिर C जोड़िएगा 0, तो आपका सम हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 0। दूसरा पॉसिबिलिटी है 0 0 1, तो 0 और 0 0 और 0 प्लस 1, ये तीनों का ऐसे ऐड करते जाते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगा 0। थर्ड पॉसिबिलिटी है 0 1 0, इसमें सम हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1। इसको जोड़ दीजिए ऐसे, बाइनरी, ये बाइनरी एडिशन बेसिकली होता है। उसके बाद 1 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 0। इसमें 1 0 के ऊपर भी एक और इसमें पॉसिबिलिटी बनती है 0 0 1 या 1 0 0, ये आपकी पॉसिबिलिटी बनती जाती है। तो यहाँ पे आपका 0 और 1 ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 1 और 1 ऐड कीजिएगा तो आउटपुट हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1, ठीक। और 1 0 0 तीनों को ऐड कीजिएगा तो सम हो जाएगा आपका 1 और कैरी हो जाएगा 0। और बाकी जो पॉसिबिलिटी है वो है आपका 1 0 1 या कह सकते हैं 1 1 0 और 1 1 1। 1 और 0 ऐड कीजिएगा तो 1 होगा, 1 और 1 को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा सम 0 और कैरी हो जाएगा 1। अगर 1 1 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0 और कैरी हो जाएगा 1, और 0 आउटपुट को फिर 0 से जुड़िएगा तो 0 आउटपुट मिलेगा और कैरी हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट में अगर 1 1 को आप ऐड कीजिए तो कैरी हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा आउटपुट, और 0 आउटपुट और 1 को, 0 आउटपुट को और 1 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा 1। यानी कि ये आपका कंप्लीट सम और आपका कैरी हो गया। अगर हम लॉजिक एक्सप्रेशन इसका आपको एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म में लिखना चाहें आप, तो यहाँ लिख लीजिए लॉजिक एक्सप्रेशन सम अगर का एक्सप्रेशन लिखें तो जहाँ पे इनपुट हाई है वहाँ वहाँ हम इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसको हम कंसीडर करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे, तो चार आपके टर्म होंगे, मीन टर्म चार होंगे। तो यहाँ पे 0 है ए के सामने, बी के सामने 0 है और सी के सामने 1 है, तो ए बार बी बार और सी हो जाएगा। यानी ए बार बी बार सी प्लस इस यहाँ पे आउटपुट हाई है तो इसका हम मीन टर्म लिखेंगे, तो ए बार बी और सी बार, ए बार बी और सी बार। याद रखिएगा जो 0 होता है वो बार को डिनोट करता है, 1 होता है वो इनपुट हाई होता है, और उस वहाँ पे सिंपल ए और बी लिखते हैं हम। यहाँ पे एक इनपुट हाई है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बार, सॉरी ए बी बार सी बार, तो प्लस ए बी बार सी बार। नेक्स्ट है ये, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी। यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा सम के, जैसे यहाँ से आप ए बार कॉमन ले ले तो बी बार सी और बी सी बार रह जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन आप बी बार ले लेंगे तो ए बार सी प्लस ए सी बार, तो एक एक्सोर गेट का आपका फॉर्मेट दिखेगा, और वो जो फॉर्मेट आपका फाइनल होगा वो होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो आप याद रखिएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सॉरी फुल एडर में आपका जो आउटपुट होता है सम ए बार बी बार सी होता है। कैरी का हम एक्सप्रेशन ले तो देखिए यहाँ पे एक आउटपुट हाई है, यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें भी मीन टर्म चार होंगे और इसमें होंगे ए बार बी सी, ए बार बी सी, और यहाँ पे होंगे ए बी बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस यहाँ पे होंगे ए बी सी बार, ए बी सी बार, और प्लस यहाँ पे होंगे
ए बी सी, देखिए इसमें और इसमें ए अगर बी सी कॉमन ले लें तो ए प्लस ए जो होता है ए बार प्लस ए हो जाता है वन, ये थ्योरम है। तो यहाँ से आप यहाँ से बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनल जो कैरी आएगा वो आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हमने इसको इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से बी सी और इसमें कॉमन ले लिया, और इसमें ए बी और इसमें ले लिया, तो ये आपका फाइनल निकल के आ गया। जो सम का है उसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में समेशन लिखा जाता है एम और 1, 2, 4, 7, यानी जो आपका आउटपुट है 1 पे है और 2 पे है और 4 पे है और 7 पे हाई है। तो ये मीन टर्म भी आपको याद, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा आपका सम का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और कैरी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, कैरी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा आपका 3, 5, 6, 7। देखिए जो इसमें नहीं होता है उसमें होता है, ये बस एक 7, 7 दोनों में कॉमन होता है, जैसे 1, 2, 4, 7, इसमें 3, 5, 6, 7, तो कैरी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आगे हम यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, लेकिन मैं आगे और इसको अलग फॉर्मेट लिखाता हूँ, सम का और कैरी का इक्वेशन का। देखिए सम का आप ऐसे भी सम लिख सकते हैं, जो आपका ए एक्स और बी एक्स और सी है, और कैरी जो है आपका वो आया था आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर आप इसे कैरी को कॉमन ले ले, अगर इसमें सी और सी बार इसमें कॉमन जो हमने लिया था उसमें कर दे, अगर ए बी इंटू सी और पी सी बार, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी सी बार वन होता है, और प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार इंटू सी कर दें, जो हमने फर्स्ट कॉमन लिया था उसमें से हमने इसका जो फाइन पहले वाला जो इक्वेशन था कैरी का वो था आपका ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिया, ए बी यहाँ से तो ये एक आ गया, और इसमें क्या किया हमने सी कॉमन ले लिया इस दोनों टर्म में, तो ए बार बी और प्लस ए बी बार सी आ गया। तो जो आपका आया ए बी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी सी प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से एक्सऑर गेट आ जाएगा, तो ए एक्सऑर बी इंटू सी। आपका कैरी का ये भी एक फॉर्म है, फुल एडर का कैरी का इक्वेशन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, और आपसे ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए और इसको फॉर्मेट बदलना आना चाहिए। चलिए इसका हम लॉजिक एक्सप्रेशन जो है, जो भी हमने दो लॉजिक एक्सप्रेशन सम और कैरी का निकाला है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉजिक गेट से। तो आपको सम का जो था एक्सप्रेशन ए बार बी बार प्लस सी बार, सॉरी ए एक्स और बी एक्स और सी, और कैरी का जो था वो था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी या सी ए जो भी है। तो यहाँ से आप ये इनपुट यहाँ ले लीजिए, बी इनपुट यहाँ ले लीजिए, सी इनपुट यहाँ ले लीजिए, एक एक्स और गेट अप्लाई कीजिए, और इसको एक्स और गेट के साथ एक बार और अप्लाई कीजिए, और ये मिलेगा आपको सम, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप ए इनपुट, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए बी इनपुट, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए सी इनपुट और इसका आउटपुट। तो यहाँ से मिल गया आपका एक्स और बी, और यहाँ से आपका सी इनपुट दे दिया हमने, तो ये फाइनल यहाँ पे मिलेगा सम का, जो मिलेगा ए एक्स और बी और प्लस एक्स और सी। आपको याद होना चाहिए मैंने कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स में, वहाँ पे जो एक्स और गेट है वो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों लॉ को फ्लो करता है, इसलिए ये हो पाया, अगर ये एक्स नॉर होता तो ये नहीं हो पाता, ठीक। और जो कैरी का इक्वेशन था उसमें हम एंड गेट का अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सभी एंड गेट मल्टीप्लीकेशन है, और फाइनल एक हम और गेट से इसे ऐड कर देंगे तो हमारे ये कैरी मिल जाएगा, ये जो कैरी था। तीन एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे, ये सही से आप बना लीजिएगा, ठीक। एक इनपुट है आपका ए और बी, यहां से मिल गया आपका ए बी,
और ये ऐड हो जाएगा एक्स और गेट में, मैंने गेट्स पढ़ा रखा है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा है बी सी, तो यहाँ इसमें दे दीजिए आप बी और सी। थर्ड है आपका सी ए, तो यहाँ से आप ए इनपुट दे दीजिए और यहाँ से आप सी दे दीजिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी सी, यहाँ से आ जाएगा सी ए, और ये और गेट आपको ऐड कर देगा सभी को, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपका कैरी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और ये आपका सम का XOR गेट अप्लाई करके हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन किया। एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो आपका फुल एडर होता है वो आपका जो प्रोपोगेशन डिले होता है वो 2 TPD, ये होता है टोटल डिले प्रोपोगेशन डिले पीडी, टोटल प्रोपोगेशन डिले जो होता है वो 2 TPD। टीपीडी क्या होता है, पर गेट प्रोपोगेशन डिले है। अगर एक गेट का 1 ns प्रोपोगेशन डिले है तो सभी आप गेट को ऐड कर लीजिएगा और वो हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या इम्प्लीमेंट लिख लीजिए शॉर्टकट में। हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हाफ एडर द्वारा, तो आपको पता है हाफ एडर का जो सर्किट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो ये था ए बी और ए एक्स और बी, ये हाफ एडर का सम हो जाता था और एक ये आपका कैरी हो जाता था ए बी। इसको आप फिर अगर हाफ एडर से पास कराएंगे इसके आउटपुट को, और इसमें 3 इनपुट होता है तो सी इनपुट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी एक्स और सी, ये हो जाएगा आपका सम हो जाएगा फुल एडर का, और ये सम का जो एक्सप्रेशन था ये हाफ एडर का था, यहाँ से ये हो गया। और एक और आप एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां से आपका एक और गेट या ये और गेट है, तो यहां से आपका कैरी मिल जाएगा ए बी प्लस ए एक्स और बी इंटू सी, जो हमने सेकंड में इम्प्लीमेंटेशन किया था कैरी का वो यहां से मिल जाएगा। तो ये देखिए आप जो इम्प्लीमेंट फुल एडर इम्प्लीमेंटेशन की है हाफ एडर से, तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने हाफ एडर रिक्वायरमेंट होती है फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप याद रखिएगा 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। एक ये और गेट जो है एक्स्ट्रा है, और ये हाफ एडर का ये सर्किट है, एक हाफ एडर ये हो गया, एक हाफ एडर ये हो गया और एक और गेट हो गया। तो इस तरह आपका 2 हाफ एडर और 1 OR गेट का यूज होता है फुल एडर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन पूछते हैं कितने हाफ एडर और कितने और गेट के रिक्वायरमेंट है फुल एडर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, कितने हाफ एडर की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट का हम यूज करके फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और यही चीज हमने हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर में किया था। तो आपने देखा था यहाँ पे एक हाफ एडर का इस्तेमाल किए थे हमने इस सर्किट को इतना, तो आपको हाफ एडर का सब मिल गया था और यहाँ से आपने उसका कैरी ले लिया था। लेकिन इसमें आपको वैसे 2 जगह इस्तेमाल करना होगा और एक सी इनपुट इसमें इम्प्लीमेंट में लाना होगा। तो ये आपका यहाँ से ए बी और यहाँ पे सी इनपुट हमने अप्लाई किया, तो जो यहाँ पे मिलता है वो सम मिलता है आपका ए एक्स और बी एक्स और सी। ये इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है, आप इसे एक तरह से अगर आईएएस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक तरह से याद हो जाएगा ये, क्योंकि हाफ आप हाफ एडर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको ईजी हो जाएगा। 2 यहाँ पे 1 यहाँ 1 यहाँ, उसी तरह 2 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, और यहाँ पे एक कैरी के लिए, और इसको यहाँ से ऐड करना है और इसके आउटपुट को ऐड करना है, तो यहाँ से आपका कैरी का मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए एक्स और बी इंटू सी, और यहाँ पे सम मिल जाएगा। तो ये याद करना बहुत ईजी है, देखिए 2 यहाँ और 1 1 यहाँ, 2 यहाँ 1 1 यहाँ,
और इसको और इसके आउटपुट को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ये इसको थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, इसको एक एक चीज को बताना आप, मेरे लग रहा है मुझे समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे एक और गेट आ गया, नैंड गेट, सॉरी ये नैंड गेट है, तो ए बी का होल बार, ए बी का होल बार यहाँ पे आया, यहाँ पे एक इनपुट आ गया ए बी का होल बार, यहाँ से आपका ए बी का होल बार और ए ए बार इंटू ए बी का होल बार का टोटल, ए का बार नहीं, टोटल का बार, ऐसे करके जब जाएगा तो आप अंत में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका आउटपुट फाइनल मिल जाएगा। चलिए इसी को इम्प्लीमेंटर्स ऑफ फुल एडर यूजिंग नॉर गेट हम देखते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट से, तो इसके पहले हम बता दूं आपको कि नाइन नैंड गेट का इस्तेमाल हुआ था, अभी मैंने अभी बताया था आपको इसमें यहाँ पे, तो ये नाइन इसमें टोटल नाइन नैंड गेट का इस्तेमाल हुआ है फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने नैंड गेट के यूज होगा, कितने रिक्वायरमेंट है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपको फुल एडर। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ इस्तेमाल होंगे, लेकिन फुल एडर में नौ होंगे और फुल सबट्रैक्टर में भी नौ होंगे, लेकिन हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर में टोटल आपके फाइव फाइव होंगे। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फुल एडर को यूजिंग नॉर गेट। आप ये फुल एडर यूजिंग नॉर गेट करेंगे तो इसमें भी नॉर गेट का इस्तेमाल हुआ है, जो भी नैंड गेट में जैसे भी सर्किट था वैसे ही हूबहू यहाँ भी वही सर्किट इम्प्लीमेंट होता है, दो यहाँ एक एक यहाँ, दो यहाँ एक एक यहाँ, और फिर एक यहाँ पे कैरी के लिए, और इसका आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं और इसका आउटपुट, तो आपका फाइनल कैरी मिल जाता है और यहाँ सम मिल जाता है। तो आप बस इस में आप याद रखिएगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फुल एडर का सम का वो होता है 1 2 4 7, कैरी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है 3 5 7, 3 5 6 7, और जो टोटल नैंड गेट का इस्तेमाल होता है एंड नॉर गेट का इम्प्लीमेंट करने के लिए वो 9 होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप याद रखिएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप माई अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7503304182 पर एड मी टाइप करके सेंड कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि माई अकेडमी के सभी वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।